क्या हो गया ध्रुव, कुछ दिखा रहा है? देखो, करने दे, तो ऐसी सतानी करता रहता है ध्रुव। खुशी, तुम्हारे बाल कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखो जरा, इधर करना गर्दन, ये ओ माय गॉड, इधर करो, आ कितने प्यारे लग रहे हैं खुशी, यू आर ए स्टार, टिकटॉक स्टार, अगर टिकटॉक चलता हुआ होता तो तुम स्टार बन गई होती। टकाटक चलता रहा है, टकाटक तो सड़ा हुआ है, पीछे करिए ऐसे करके स्टूल गुलाई गोल घुमाना। हाँ वाह खुशी के हेयर, एक बार और घुमाओ, आप देख सकते हैं हमने खुशी के बालों में मेकओवर किया जो बहुत प्यारा लग रहा था। और हमारा पीरो राइडर भी आ गया है, इधर आ जाओ सामने कोई। पीरो राइडर क्या कर रहा था तू खरगोश के साथ? मैं उन्हें नचा रहा था आसमान में। क्यों नचा रहे हो? बिकॉज वो मेरे गुलाम है। मेरे पास बैठ। तो ये है हमारा पीरो राइडर। पीरो कहाँ गया? पीरो राइडर, पीरो राइडर। चलो अभी मैं तुम लोगों की वो करती हूँ। तो आज हम लोग बैठे हैं धूप में, है ना खुशी? आज हम लोग धूप में बैठे हैं बाहर आके, हमारे पार्लर के बाहर वाला जो रोड है ना वहाँ पे बैठे हैं। बड़ा ही अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे बैठना। और मैंने तो खुशी कैप लगा लिया ताकि धूप ना लगे मुझे, तो बैठी क्यों? मतलब वैसे लगनी चाहिए थोड़ी आँच आँच टाइप की, लेकिन ऐसी वाली धूप नहीं चाहिए तो बहुत ज़्यादा तेज वाली धूप लगे। हाँ ठीक है, तो कहाँ से लाऊं? पापा ला के देंगे। पापा नहीं ला रहे, पापा ला के देंगे, ये मेरी टांग पे बैठा है। अरे उठ जा भाई, दर्द हो रहा है, दुरुप 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 बहुत दर्द हो रहा है। अंदू तू जाके ना अपने लिए दूसरा स्टूल लेके आ जा। हाँ खिला देंगे, पहले स्टूल लेके आ जा, देखना कैसी कैसी हरकतें करता है तेरा भाई। जाती क्यों नहीं है तू? कैसे नहीं समझाओ, कैसी हरकतें ना करें क्यों भाई, बहुत उलटपटांग हरकतें करता है। गाइस हम लोग कल ना मामा के घर गए थे, मामा के फंक्शन में गए थे हम लोग कल अपने, और सर कल आए तो सर को हमने मना कर दिया था, आज आएंगे सर 1 बजे करीब, और आज हमारा टेस्ट है, आ जाएंगे। आज मैं सर से कहूँगी सर मुझे एक चैप्टर नहीं आ रहा, मतलब आ ही नहीं रहा है, क्या मुझे क्या आ ही नहीं रहा है, मुझे एक ग्रामर में चैप्टर सर्वनाम वाला। अब आप कहोगे सर्वनाम मुझे नहीं आता, मुझे आता है पर उसमें कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं सर से कहूँगी। आज हिंदी का टेस्ट है इन लोगों का, आज हिंदी का टेस्ट है ना। और सर ये ना कह दें कि तो एक तो तुझे फंक्शन से ही वो नहीं है फुर्सत, और बाद फिर तू मुझसे कह रही थी कि सारे चैप्टर कर रखे हैं, एक ध्रुव का ही बचा है, अब क्या हो गया तुझे? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इन्होंने हिंदी रीडर बना के रखी है, हम स्टोरी याद करके करेंगे क्या? अच्छा इन्हें स्टोरी में तो पूरी जिंदगी वो है, सार है पूरी जिंदगी का, खुशी ऐसी ऐसी बातें करता है। अभी पापा आएंगे तो उसको मंगा, पापा नहीं लाते। तो हम लोग बाहर ना धूप सेक रहे हैं और बच्चों की बातें सुन रही हूँ मैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ये लोग। तो चलिए आज का जो दिन है वो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ, दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या करने वाले हैं आज पूरे दिन। तो खुशी लेकर आई है फ्रूट काट के, क्या है अंगूर, अंगूर ये इतने बड़े बड़े थे कि इनको 2 पीस में काटना पड़ गया, और क्या कहते हैं अमरूद है ना। तो हम लोग बाहर बैठ के ना फ्रूट्स खा रहे हैं, है ना खुशी, फ्रूट खा रहे हैं। अंगूर को इसलिए भी काटना चाहिए, इनके अंदर मसाला चल जाता है। अच्छा तो इनके अंदर मसाला चला जाता है तो ये अच्छे से खा जाते हैं। सो यम्मी, ये कैसे ऊपर से हल्लो हल्लो करता रहता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्किन केयर वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो मैं बात कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस के ग्रीन टी फोमिंग फेस वॉश की, जो काफी अच्छा है, और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके की ना क्यूट सी बोतल में आता है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर एक कैप है, जो इसका जो ब्रश है उसको
प्रोटेक्ट करने के लिए। सिलिकॉन ब्रश है इसके जो काफी सॉफ्ट है, मतलब यूज करने के बाद ना आपके फेस पर बहुत ही आपको माइल्ड माइल्ड फील कराते हैं, बिल्कुल भी आपको हार्श नहीं करता है और आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है। टी ट्री हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और मैं आपको बता दूं वाव स्किन साइंस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सभी प्रोडक्ट के ऊपर आपको इस तरीके का एक बार कोड मिलेगा जिसको आप स्कैन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी का पता चलेगा, प्लस आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं इसमें जो आप अपनी अगली परचेजिंग में डिस्काउंट पा सकते हैं उन पॉइंट्स के साथ में। ये जो फेस वॉश है काफ़ी अच्छा है हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करता है और आप देख सकते हैं इस तरीके के सिलिकॉन ब्रश के साथ में ये आपको मिलेगा और ये ब्रश बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही माइल्ड है, आपके फेस पर जाने के बाद आपको बिल्कुल भी हार्श नहीं करता है और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगी, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, जितनी भी आपकी स्किन पे डर्ट वाली प्रॉब्लम है वो सभी को बहुत अच्छे से क्लीन करता है इस ब्रश की हेल्प से। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया, इसको यूज़ करना कितना आसान है आप देख सकते हैं इस तरीके से, जब आप इसको पंप करेंगे तो इस तरीके से कुछ फोमिंग फोम में ये निकलेगा और आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसकी जो फोमिंग है ना बहुत ही सॉफ्ट है और आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं और इसको कोई भी स्किन वाला यूज़ कर सकता है, ऑल स्किन टाइप है। इसके अंदर टी ट्री है तो टी ट्री आप लोगों को पता ही है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है जिससे हमारी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, एक्ने वाली भी अगर कोई प्रॉब्लम है हमारी स्किन पर उसको भी ये ठीक करेगा, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स वाली प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करेगा, प्लस आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग की साइड लेकर जाता है। 98% ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में बना हुआ है जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को हार्म नहीं करता है, बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। प्लस आपको मैं बता दूं वाओ का अपना एक ऐप है जो जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ईजीली और वो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है डाउनलोड करना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वहाँ से जाकर आप अपने फेवरेट प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। बहुत आप लोगों ने देखा कि कितना इजी है इसको यूज करना और बहुत ही अच्छे से जब आप इसको यूज करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट आता है आपके फेस पर और आपका जो फेस है ना वो बहुत अच्छे से डीप क्लीन हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। मुझे बहुत पसंद आता है इस प्रोडक्ट को यूज करना और ये है इसका रिफिल पैक जिसको आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, जब भी आपका फेस वॉश खत्म हो जाए तो आप इस तरीके से रिफिल पैक को जो है वो परचेस कर सकते हैं और आप बहुत इजीली इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ करना होता है, हमारा जब फेस वॉश ख़त्म हो जाता है तो हम लोग जो हैं अपनी आपको बार बार जो है वो पंप वाली बोतल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से रिफिल पैक खरीदिए और उसको इस तरीके से इसके अंदर फिल कर सकते हैं, दोबारा से आपका जो फेस वॉश है वो रेडी हो जाएगा, आपको बार बार पंप वाली बोतल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखा कि इसको रिफिल करना भी कितना इजी है और मैं आप लोगों को बता दूं वाव स्किन साइंस जो है वो इंडिया का ब्रांड है, मेड इन इंडिया है, तो हम लोगों को अपने इंडिया के ब्रांड को जरूर सपोर्ट करना चाहिए और बहुत ही अच्छा ब्रांड है तो हम लोगों को यूज करना चाहिए। फ्री ऑफ हार्श केमिकल है, कोई भी केमिकल इन प्रोडक्ट के अंदर नहीं होता है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, इस तरीके का कोई भी हार्मफुल केमिकल इसके अंदर नहीं होता और मुझे इनके सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं और ये ऑल स्किन टाइप है, ये जो फेस वॉश है ये ऑल स्किन टाइप है, जितने भी आसपास के स्टोर हैं उन पर इजीली अवेलेबल है, आपके नियरेस्ट स्टोर पर बहुत इजीली अवेलेबल है तो आप लोग वहां से भी इसको खरीद सकते हैं, उसके अलावा सभी वेबसाइट पर बहुत इजीली अवेलेबल है। और मैं आप लोगों को बता दूं मैंने इन सभी प्रोडक्ट के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप बिल्कुल एक बार चेक कीजिएगा, अगर आप लोगों को इनको खरीदने का मन है तो आप बिल्कुल खरीदिएगा, सभी प्रोडक्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए कैसा लग रहा है आज आपकी शॉपिंग करा के? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है, बच्चों ने काफी चीजें मंगाई थी है ना, तो सारी चीजें हम लोगों ने ले ली है बच्चों के लिए। और देखो आप लोग देख सकते हो कितना सारा सामान। यश मुझसे ये बात ना बोलते हैं कि पूजा जब तुम्हें मैं कहीं लेके जाता हूँ ना अपने साथ, तो तुम खर्चा बहुत कराती हो। क्यों यश? मैं खर्चा बहुत कराती हूँ? हाँ, तो जब मुझे कहीं लेके जाते हैं तो मैं खर्चा बहुत कराती हूँ। अरे क्यों ना कराऊं, कभी कभी तो पति का खर्चा कराने का मन करता है। क्यों पापा? कभी कभी तो पति का खर्चा कराने का मन करता है और क्या। तो ये थी अलका बेकरी, जहाँ पर हम लोगों का न्यू वाला जो घर है ना वो बन रहा है, और उसके पास में ही है ये बिल्कुल। तो यहाँ से ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोग लेकर जाते हैं, बच्चे स्पेशली बर्गर वगैरह ये सब चीजें बनाने के लिए बोलते हैं ना घर पे, क्योंकि बाहर का हम लोग इनको नहीं खिला रहे हैं ज्यादा, मतलब अब तो खाने लगे हम लोग बाहर का, पहले इतना ज्यादा नहीं खा पी रहे थे। तो वो सारी चीजें ना हम लोग इनको यहाँ से ले जाके देते हैं घर पे, फिर ये लोग ट्राई करते हैं। जैसे आप लोग देखते हो खुशी को कभी कुछ बनाती है, कभी कुछ बनाती है, तो वो उसको बहुत ज्यादा पसंद है ये सब कुछ बनाना, तो हम लोग उसको यहीं से ले जाके देते हैं, है ना पापा। और सारा कुछ ना बहुत अच्छा होता है, ब्रांडेड होता है बहुत, और इनकी अपनी खुद की बेकरी है ना, तो जैसे बर्गर का बेस हो गया या कुछ हो गया, पिज्जा बेस हो गया, ये सारी चीजें ना इनकी बहुत अच्छी हैं, तो मैं यहीं से लेके जाती हूँ। कोकोनट वाटर पीना है पापा? पापा कोकोनट वाटर पीना है? हाँ कोकोनट वाटर पीऊंगी। तो हम लोग रुके हैं कोकोनट वाटर पीने के लिए। भैया दो बना दो, नहीं पीना है यहीं पे, दो बना दो तो हम कोकोनट वाटर पियेंगे। हमारी ऑडियंस कहती है कि क्या कहते हैं सर कुछ बोलते नहीं है, तो सर कुछ बोलिए आप। सर कुछ क्या बोलते नहीं सर? सर के पास कुछ बोलने के लिए होता ही नहीं है, क्योंकि मैडम इतना बोलती हैं। कम बोलता हूं। ले बेटा कोकोनट वाटर, अभी वो देके जाएगा तेरे को, मैं दे दूंगी। तो कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं ना पीते ही है ना हम लोग ज्यादातर, मजा आता है बहुत कोकोनट वाटर पीने में ना। और अभी क्या है, अभी तो थोड़ा मतलब मौसम अच्छा हो गया ना, और भी मजा आ रहा है पीने में। लीजिए भैया कितने हुए, देख लेना तुम्हारा कैसा है पिलाना, मीठा तो नहीं है तुम्हारा? मेरा अच्छा है। हमारा होता ही अच्छा। हाँ मेरा होता ही अच्छा। बहुत ही टेस्टी लग रहा है, इतना रिफ्रेश लगता है ना, तो बहुत ज्यादा फ्रेश फ्रेश फील होता है। खाना खा लिया हमने तो, भूख ही नहीं है। दाल चावल बनाया? दाल चावल, दाल चावल खाएंगे। मत लेके जाया कर, अलका और उनका नाता बहुत स्ट्रॉन्ग है। अलका और नाता बहुत पुराना है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज मैं तुम लोगों के लिए सारा सामान वो लेके आई हूँ जो तुम लोग काफी दिन से मंगा रहे थे। चलो ये सब लो, खुशी सब निकालो, वेजिटेबल मतलब अपना अपना सामान निकाल लिया। बड़े बदतमीज बच्चे हैं भाई, ये बताओ अपनी अपनी पसंद का लेके चल दिए, सब लेके जाओ जितना है। हाँ वेजिटेबल कौन लेके जाएगा, अपना अपना लेके चल दिए थे, वेजिटेबल कौन लेके जाएगा? भागो भागो, क्या नहीं अपनी पसंद का सामान लेके चले गए। अच्छा